ऐप 2011 में बनाया गया था और भारत में इसकी पॉपुलैरिटी कोरोना लॉकडाउन के दौरान बहुत तेजी से बढ़ी है। पबजी ऐप 4 साल से भारत की युवा पीढ़ी में बहुत पॉपुलर है और इस पर बैन भी लग चुका है। सोमवार को केंद्र की मोदी सरकार ने टिकटॉक, यूसी ब्राउजर समेत 59 चीनी ऐप्स पर बैन लगा दिया है और मंगलवार को इन ऐप्स को प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से भी हटा लिया गया है। चीनी ऐप्स के बैन की खबर आती दो पॉपुलर ऐप्स जूम और पबजी को लेकर यूजर्स में बड़ा कन्फ्यूजन रहा है। बहुत से यूजर्स को लगता है कि ये दोनों ऐप्स भी चीन के और उन्हें डर है कि ये बैन न हो जाए। पबजी दुनिया के सबसे पॉपुलर गेम्स में एक है। वहीं जूम ऐप स्टूडेंट से लेकर कॉरपोरेट में काम आने वाला ऐप है। लॉकडाउन के दौरान बड़े पैमाने पर जूम का इस्तेमाल ऑनलाइन क्लासेस और मीटिंग में किया गया है। जूम और पबजी को लेकर सोशल मीडिया पर अब भी इनकी चीनी होने या न होने की बहस छिड़ी हुई है। एक पक्ष का कहना है कि ये दोनों ऐप चीनी नहीं है और वहीं दूसरे पक्ष का दावा है कि दोनों ऐप चीनी है और सरकार का रुख ऐप बैन को लेकर सिलेक्टिव है। इन दो ऐप्स को लेकर फैले कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हमने अपनी जांच पड़ताल शुरू की। तो आइए जानते हैं कि उस जांच पड़ताल के अंदर हमको क्या पता चला। पबजी गेम पबजी कॉरपोरेशन ने डेवलप किया। पबजी कॉरपोरेशन दक्षिण कोरिया गेमिंग कंपनी ब्लू होल की एक सब्सिडियरी है। पबजी को चीनी बाजार तक पहुंचाने के लिए ब्लू होल ने चीनी कंपनी टेंसेंट से हाथ मिलाया। टेंसेंट के ब्लू होल में 10% शेयर है। टेंसेंट ने 2017 में पबजी का मोबाइल वर्जन डेवलप किया था। लॉन्च होते ही पबजी के मोबाइल वर्जन ने चीनी बाजार में धूम मचा दी। हालांकि पबजी को चीनी सरकार की अनुमति न मिलने के कारण वहां से अपना बोरिया बिस्तर समेटना पड़ा था। ब्लू होल ने 2018 में पबजी की ग्लोबल लॉन्चिंग कर दी थी। दुनिया के अन्य देशों में पबजी का वही क्रेज दिखा जो चीनी बाजार में दिखा था। मई 2020 में आई मोबाइल मार्केटिंग के क्षेत्र में काम करने वाली कंपनी सेंसर टावर की रिपोर्ट के मुताबिक पबजी दुनिया का सबसे ज्यादा रिव्यू जुटाने वाला गेम बना। 1 मई से 31 मई के बीच पबजी दुनिया भर से $226 मिलियन यानी 1.7 हजार करोड़ रुपए का रेवेन्यू इकट्ठा किया है। जूम दुनिया का सबसे पॉपुलर ऐप है जिसे चीनी नागरिक ने अमेरिका में बनाया था। जूम वीडियो कम्युनिकेशन एक अमेरिकी कंपनी है। इसकी स्थापना चीनी मूल के अमेरिकी बिजनेसमैन एरिक युआन ने 2011 में की थी। 23 साल पहले जब दुनिया में इंटरनेट तीव्र गति से पहुंच रहा था तो चीन के एरिक युआन ने अमेरिका आने का फैसला किया। वे जानते थे कि अपने बिजनेस आइडिया को अमेरिका में बेहतर ढंग से अमली जामा पहना सकेंगे। 2 साल में 8 बार वीजा की एप्लीकेशन रद्द होने के बाद आखिरकार 1997 में युआन को वीजा मिल गया और वे सिलिकॉन वैली पहुंचे। शुरुआत में जूम ऐप अमेरिका की वॉल स्ट्रीट के दायरे में ही लोकप्रिय था। धीरे धीरे इसने दुनिया में पैर पसारने शुरू किए। कोरोना ने जब दुनिया को घरों में कैद किया तब जूम के बिजनेस में बड़ा उछाल हुआ। सेंसर टावर की रिपोर्ट के मुताबिक 2020 में 25 मार्च से 10 अप्रैल के बीच जूम दुनिया का सबसे ज्यादा डाउनलोड किए जाने वाला ऐप बना। भारत में इस ऐप ने लॉकडाउन के दौरान सबसे लोकप्रिय टिकटॉक को भी पीछे छोड़ दिया था। जूम भले ही एक अमेरिकी ऐप हो लेकिन उसके सर्वे सर्वा एक चीनी व्यक्ति है। वे खुद स्वीकार चुके हैं कि हमारे सर्वर चीन में है। डेटा चीन के रास्ते दुनिया में पहुंचाया जाता है। ऐसे में लोगों की चिंता को पूरी तरह निराधार भी नहीं कहा जा सकता। जूम में ऐसे कई लूप होल्स जो हैकर्स के काम को आसान बनाते हैं। काफी हद तक ये संभव है कि आपकी वीडियो कॉन्फ्रेंस या मीटिंग को कोई तीसरा व्यक्ति भी सुन रहा हो। ऐसे में अगर मीटिंग में देश की सुरक्षा या गोपनीय जानकारी से जुड़ी बात हो रही हो तो ये निश्चित ही खतरनाक है। सरकार इसके असुरक्षित होने को लेकर गाइडलाइन भी जारी कर चुकी है। अब बात करते हैं पबजी की। पबजी में 10% शेयर वाले पार्टनर का कंपनी में इतना दबदबा नहीं रहता कि वो बड़े फैसले लेने के लिए मजबूर कर सके, खासकर अनैतिक फैसलों के लिए तो बिल्कुल नहीं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दक्षिण कोरिया भारत का एक मित्र देश है और हम उम्मीद भी कर सकते हैं कि वहाँ का ऐप हमारे लिए सुरक्षित है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।